क्या नाम है? मैं कविन सर। इशू वारियर। यस कविन, गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। सी इशू, आपके नाम से क्या तात्पर्य है? मतलब सर, मेरा नाम का मतलब है कि जैसे भगवान का दूत, भगवान का दूत इशु, और एंजल। अच्छा, इशु ईसा मसीह के लिए ज्यादा यूज में होता है, उसी के हिसाब से किया गया है। हाँ, भगवान का दूत। अच्छा 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 भगवान का रूप, वेरी गुड। इशू हुआ लिया, राइट। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीएससी बायो, वेरी गुड। हाँ, आप अपने बारे में बता दीजिए, तब तक हम जो है। यस, टेल द पैनल अबाउट योर सेल्फ। सर, मेरा नाम यीशू बुगालिया है, मेरे पिताजी का नाम श्री नेमीचंद, मेरी माताजी का नाम गुलाब देवी है, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंडित दीनदयाल शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर से 2023 में पूरी करी है, और मैं बोड़की गांव की, झुंझुनू जिले के बोड़की गांव की रहती हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने बीएससी साइंस बायोलॉजी से किया आपने? हाँ सर। अच्छा अच्छा बायोलॉजी में ये डीएनए की बात बहुत होती है। व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए? सर, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो जैसे अपने जीन वगैरह होते हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक रूप से जीन डीएनए के माध्यम से ही जाते हैं। डीएनए के माध्यम से ही जाते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा एंड व्हाट इज आरएनए? आरएनए सर राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। अच्छा अच्छा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को सर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह बोला जाता है। अच्छा। मतलब अपने जैसे अपन भोजन करते हैं तो उसको टुकड़ों में तोड़ के फिर ऊर्जा का निर्माण अपने शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया ही करते हैं। अच्छा 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 अपने जैसे ह्यूमन बॉडी में जो है, जैसे जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसमें, मतलब ये सब सेल्स एक जैसे होते हैं या जो है अलग अलग होते हैं? नहीं सर, अलग अलग प्रकार की होती है, इनके कार्य भी अलग अलग। अच्छा, आपके बोन्स में कौन से होते हैं क्या सेल्स? बोन सेल्स होती है ना सर। बोन सेल्स होते हैं। अच्छा, उसमें जो प्रिवेलेंट मटेरियल वो क्या होता है? कैल्शियम होता है। अच्छा, ये ऑस्टियोपोरोसिस आपने जानते हैं क्या? हाँ सर, वो मतलब जोड़ों में जो दर्द होता है, क्यों हो जाता है ऐसा? कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो फिर क्या करेगी बॉडी? बॉडी कैल्शियम का निर्माण करेगी। हाँ, जैसे अपन बाहर से भी कैल्शियम के लिए। अच्छा 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 पिल्स वगैरह। कल परसों एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें ये था कि आपके अगर कैल्शियम की बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, इफ दिस इज नॉट फुलफिल्ड बाय योर फूड इनटेक, देन योर बॉडी डिराइव्स कैल्शियम फ्रॉम योर बोन्स एंड दैट कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस। उसमें जैसे क्या होता है, कैल्शियम यदि अपन बाहर से नहीं ले रहे तो गैप है ना, वो बढ़ जाता है। गैप बढ़ जाएगा तो हड्डियां क्या होगी? कमजोर होगी। उनकी नेचर जो ब्रिटल नेचर रहेगी, मतलब यानी तिड़कने की जो स्थिति बनती है ना। ओके, योर बायोलॉजी। अच्छा, व्हाई डिड नॉट यू कंटिन्यू योर स्टडी? सर, स्टडी कंटिन्यू तो इसलिए नहीं करी क्योंकि जैसे बैंकिंग में बीएससी ग्रेजुएशन चाहिए होता है। अच्छा अच्छा, तो मेरा मेन बीएससी का और बैंकिंग से बीएससी चाहिए होता है? नहीं, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए होता है। हाँ, ग्रेजुएशन तो मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए। ठीक है, तो लेकिन जैसे आप बीएससी बायो से हैं, आपकी स्ट्रीम मेडिकल साइड में जानी चाहिए, है ना? इनके रिकॉर्ड्स भी थे, है ना? चलिए, तो आपने जो है जैसे बैंकिंग से कैसे अपने आप को लिंक कर पाएंगे? व्हाई यू हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन एज ए बैंक? बिकॉज़ बैंक इज टोटली कमर्शियल एक्टिविटी। नहीं सर, वैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट डायरेक्ट तो लिंक नहीं करता बैंक से। हाँ जी। लेकिन अपन जैसे प्लांट्स वगैरह है, फसल के बारे में अपन फार्मर्स आएंगे जैसे आ रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनको थोड़ा बहुत प्लांट्स वगैरह के बारे में बता देंगे। थोड़ा बहुत प्लांट्स वगैरह के बारे में बता देंगे, मतलब थोड़ा बहुत फार्मर से रिलेटेड है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए, जब आप बैंक में जाते हैं, है ना, तो बैंक में कई सारी गतिविधियां होती हैं, ठीक है ना? आपका बैंक में अकाउंट है क्या? हाँ सर, बड़ौदा में, क्षेत्रीय ग्रामीण बड़ौदा बैंक। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने कभी पासबुक देखी है? हाँ, देखी है। है ना, उसमें क्या क्या गतिविधि रहती है जरा बता पाएंगे?
सर एक तो पासबुक में पहले तो सीरियल नंबर होता है, उसके बाद उसके देखते हैं कभी, मान लीजिए आप 10,000 रुपए जमा करा सी आर होता है, डीआर होता है, फिर बैलेंस टोटल। डीआर का मतलब क्या है? डिपॉजिट। डिपॉजिट और सीआर का मतलब क्रेडिट। क्रेडिट है ना, डीआर का मतलब डिपॉजिट, डेबिट होता है और डेबिट को इंडिकेशन है डीआर, समझे ना। डिपॉजिट तो आप करा ही रहे हैं, डिपॉजिट का जो है व्हेन एक्चुअली आपने जमा कराया 10,000 रुपया, तो पासबुक में किधर लिखा जाएगा? ये सीआर में लिखा जाएगा है? सीआर में क्यों लिखा जाएगा? थोड़ा सा अगर बताइए, आपके सीआर में ही क्यों लिखा जाएगा? फिर बैंक के लिए इसका क्या इम्पेक्ट आएगा बताइएगा? इन योर पासबुक दिस इज एंटर्ड, योर डिपॉजिट इज एंटर्ड एट क्रेडिट इन द क्रेडिट साइड एंड देन बैलेंस इज डिराइव्ड डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, राइट? ठीक है ना, बैंक के लिए इसका क्या होगा? बैंक है ना, बैंक वहां क्या है, रिसीवर है कि क्या करेगा? आप आपसे रिसीव कर रहा है ना बैंक, सो बैंक के लिए किस रूप में रहेगी? लाइबिलिटी। वेरी गुड, है ना। वेन एवर द बैंक इज एक्सेप्टिंग योर डिपॉजिट दिस इज ए लाइबिलिटी ऑन द बैंक, राइट? है ना। अच्छा, आपसे जो कैश रिसीव कर लिया थोड़ा सा मैं आपको उसमें, आपके पास आपने 10,000 रुपए दिए, बैंक ने कैश रिसीव किया, बैंक के लिए वो क्या हो गया आपका कैश? लायबिलिटी है जी, बैंक के लिए लायबिलिटी हो गई। तो जमा कराया आपने वो भी लायबिलिटी हो गई और कैश भी आपकी लायबिलिटी। अच्छा, बैंक ने मेरे को दिया, बैंक के लिए क्या हो गया? बैंक के लिए है ना, व्हाट द बैंक, आप आपसे जो कैश लिया वो बैंक किधर लिखना चाहेगा ये बता दीजिए। दिस इज एन एसेट फॉर द बैंक, है ना। वॉट एवर कैश दिस इज रिसीव्ड फ्रॉम यू, है ना, तो जो बुक कीपिंग का जो पहला रूल है ना वो अप्लाई होगा वहां, है ना। क्रेडिट द गिवर, वहां आप देकर के आ रहे हैं तो आपको क्रेडिट किया जाएगा और बैंक को डेबिट किया जाएगा। बैंक अपने कैश को जो है, तो कैश इज ऑलवेज ऑन द डेबिट साइड, माइंड यू, राइट? एंड दिस इज एन एसेट, राइट? अच्छा, एसेट को जो है अपन जो है, एक तो होती है, चलिए आप जरा लिक्विडिटी बता देंगे, लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी जैसे सर मार्केट में पैसा, तरलता को बोलते हैं। अच्छा, लिक्विड नहीं, नहीं, जैसे एक होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस कह दीजिए, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी? वेदर आवर इकोनॉमी इज हैविंग सफिशिएंट लिक्विडिटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड लिक्विडेशन, क्यों सर? नहीं पता सर। नहीं, अच्छा, चलिए आपके पर्स में अगर मान लीजिए कि 500 रुपया है ना, और आपको 1500 रुपये और मिल जाते हैं, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ योर लिक्विडिटी? 2000, यू विल बी रिच, है ना, यू विल बी रिचर बाय एडिशन ऑफ 1500, है ना, तो आपकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, समझ रहे ना आप? अच्छा, चलिए, आरबीआई के पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिससे वो क्या करता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा? रेपो रेट को बढ़ा के। वहां भी लिक्विडिटी, कोई लिक्विडिटी का रिलेवेंस है वहां, आप जान पाएंगे? हाँ सर, जैसे रेट बढ़ा देगा आरबीआई, तो आरबीआई रेट बढ़ा देगा तो आरबीआई बैंक वो आरबीआई से पैसा कम लेंगे। हाँ जी, कम लेंगे तो बाहर लोगों को लोन कम प्रोवाइड करवाएंगे, तो पैसे बाहर कम जाएंगे, पैसे बाहर कम जाएंगे तो लिक्विडिटी कंट्रोल हो जाएगी। टूल्स विद आरबीआई, टूल्स अवेलेबल विद आरबीआई सो एज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और से टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन अदर सेंस, बताएंगे जरा? CRR, SLR का नाम सुना है? Yes, sir. सुना है? What are they? Sir, CRR मतलब cash reserve ratio, मतलब बैंकों को अपनी जो कैपिटल है या उनके पास जो डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। अच्छा, और अच्छा। फिलहाल CRR है 4.5%। 4.5%, अच्छा, इसको यदि मान लीजिए कि जो है 4% पे ले आता है आरबीआई, है ना,
तो बाजार में इसका क्या प्रभाव रहेगा सर? अगर आरबीआई इसको 4% पे ले आएगा, इसका मतलब बैंकों के पास पैसा ज्यादा रहेगा, बाजार में लिक्विडिटी कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। वेरी गुड, है ना, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। मीन्स जैसे आपके पास 500 से 1500 रुपए बढ़े तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई ना। हाँ सर, जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो बाजार में क्या ट्रेंड बनेगा बताइए जरा। अगर मेरे पास परचेजिंग पावर बढ़ गई तो लोग सामान ज्यादा खरीदेंगे, सामान ज्यादा खरीदेंगे, वैल्यू बढ़ जाएगी, सारा अपना ना ट्रांसफर जो सर्कुलेशन है ना इकोनॉमी का वो सारा बढ़ जाएगा। सो सीआरआर एंड एसएलआर, एसएलआर क्या होता है सर? एसएलआर स्टैच्युरी लिक्विडिटी रेशियो, जो बैंक अपने पास खुद के पास जमा रखते हैं, और वो फिलहाल है 18%। किस रूप में रखते हैं वो सर? कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट बोन्ड, ये डीटीएल, हाँ डीटीएल नाम सुना आपने क्या सर? एनडीटीएल है ना, एनडीटीएल, हाँ, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड टाइम, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। अच्छा, व्हाट आर द डिमांड लायबिलिटीज बेटा, ये बता दीजिए जरा इन ए बैंक। डिमांड टाइम, यस 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 सर, वही क्या, व्हाट आर टाइम लायबिलिटीज एंड व्हाट आर डिमांड लायबिलिटीज? टाइम लायबिलिटीज जैसे एफडीआरडी हो गए ना, आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम अकाउंट और करंट अकाउंट, आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम। डिमांड लायबिलिटीज मींस, डिमांड लायबिलिटीज मींस ऑन टाइम, दैट काइंड ऑफ लायबिलिटीज व्हिच आर रेडीली अवेलेबल फॉर द पब्लिक एंड मेड अवेलेबल टू द पब्लिक ऑन डिमांड, पेएबल ऑन डिमांड, पेएबल ऑन डिमांड, राइट। जैसे जो बैंकिंग की डेफिनेशन आती है ना, तीसरी लाइन पे आती है ना, ऑन डिमांड, पेएबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड का क्या मतलब है ये बता दीजिए। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आपके डिमांड लायबिलिटी हो गई, एंड टाइम लायबिलिटी साइड बाय साइड, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, है ना। डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय वे ऑफ टर्म डिपॉजिट, दे आर टर्म लायबिलिटी, उनका एक सर्टेन परसेंटेज किसमें रखा जाएगा? एसएलआर में, एसएलआर में, वो आपका स्टैच्युरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, ठीक है। तो इससे ये सीधा सीधा इसका कोरिलेशन है बाजार की गतिविधियों का। जैसे एक वाल होता है ना, वाल को अपन ढीला करेंगे तो पानी ज्यादा जाएगा, हाँ सर, और अगर कसेंगे तो पानी कम जाएगा, और बिल्कुल बंद कर देंगे तो क्या होगा? रुक जाएगा। अगर आरबीआई मान लो इसको जो है बढ़ा देगा सीआरआर को, तो क्या होगा? सीआरआर को बढ़ा देगा आरबीआई, यस यस, तो सर मार्केट में पैसा बहुत कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, देन द मनी विल बी डियरर। डियर मनी क्या होता है? डिफ्लेशन हो जाएगा उससे। डियर मनी क्या होता है? डियर मनी, डियर का मतलब महंगा, है ना, डियर मनी चीप मनी, है ना, डियर मनी मतलब मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी रुपए की, हाँ महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, ब्याज ज्यादा लगेगा ना फिर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो मार्केट में गतिविधियां कम होगी ना, लोग मतलब पीपल विल बी डिस्करेज, इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो डिस्करेज होगी, कारखाने नहीं लगेंगे, ऐसा होता है नहीं होता है? अच्छा चलिए ठीक है। और आप, आपके पास गूगल या कहते गुड़ा गोड़ सी बोर्ड किस है? आप रूरल एरिया से हैं? हाँ सर, है ना। अच्छा, आपके पास कितनी जमीन है सर? 12 बीघा। 12 बीघा जमीन है, अच्छा अच्छा अच्छा। रूपी कन्वर्टिबिलिटी सुना आपने? सॉरी सर, करंट अकाउंट डेफिसिट, थोड़ा सा आपने नेशनल इकोनॉमी की तरफ जाते हैं, हैं? अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं कोई नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होते हैं? एक्सपोर्ट, हाँ, जैसे सर अपन यहाँ से इंडिया से बाहर फॉरेन में निर्यात करते हैं। अच्छा अच्छा, और इंपोर्ट क्या होता है? और इंपोर्ट अपन बाहर से अपन कुछ लेके आते हैं, मतलब सर्विस वगैरह, गुड्स। अच्छा, अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा? इंपोर्ट ज्यादा होगा तो सर फॉरेन करेंसी ज्यादा विदेशों में जाएगी, पे तो डॉलर में, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम हो जाएगा, है ना, वो हम भेजेंगे वहां तो हमारे पास कम हो जाएगा ना, है ना, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाएगा। चलिए सर, अभी जैसे सर ने बोला कि इंटरनेशनल मार्केट में अपन फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट कुछ उपाय कर रही है कि भाई फॉरेक्स रिजर्व इफेक्ट नहीं हो इंटरनेशनल ट्रेड करने से, वो कौन सा उपाय है? रुपए का अंतर्राष्ट्रीय करण, यानी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस को बढ़ाना, किसको? इंडियन रुपीस को। तब अपन को क्या नहीं देना पड़ेगा? फॉरेन करेंसी नहीं देनी पड़ेगी।
चलो अब आपके कोर सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं, क्लोन क्या होता है, व्हाट इज द क्लोन एंड क्लोनिंग? सर क्लोन जैसे किसी हूबहू उसकी प्रतिलिपि बनाना। एथिकल क्लोनिंग क्या होती है, क्योंकि आजकल साइंस जो है वो एथिकल क्लोनिंग की बात करती है, व्हाट इज एथिकल क्लोनिंग? ओनको जीन्स का नाम सुना है, क्या होते हैं जीन? ओनको जीन्स, ONCO। ऑन्कोलॉजी जानते हो? नाम तो सुना है सर। मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स? मैमल्स वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स हैं। ओके। चलो आप ये बताओ कि आपकी टेंथ की क्लास में लिखा हुआ है संस्कृत इज थर्ड लैंग्वेज, व्हाट इज द फर्स्ट लैंग्वेज? फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी। राइट, कॉन्फिडेंट हो गए आप? सेकेंड लैंग्वेज? इंग्लिश। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है? अभी नई क्लासिकल लैंग्वेजेस को गवर्नमेंट ने अनुमति दी अभी थोड़े समय पहले। हाँ सर दी। शास्त्रीय भाषाएं जिनको कहा जाता है कौन सी हैं? संस्कृत तो है ही है, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। चलो आप ये बताओ, आप झुंझुनू से हैं मूल रूप से, राइट? झुंझुनू के बड़ी उन शख्सियत का नाम बताओ जो आज देश के महत्वपूर्ण पदों पे है या देश के बहुत बड़े क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो सर अपने वाइस प्रेसिडेंट है जगदीश धनखड़। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जो पहले जैसे वाइस प्रेसिडेंट से पहले कहाँ पे थे वो? सर सीएम थे? ना सीएम नहीं थे, गवर्नर थे वेस्ट बंगाल। गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के। और गवर्नर से पहले क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील थे, वकील थे। ठीक है चलो ठीक है। और झुंझुनू से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सर जो मतलब जिनका अभी देहांत हो गया, मुरारका फाउंडेशन से जुड़े हैं, घनश्याम दास बिड़ला भी है। हाँ, घनश्याम दास बिड़ला। और एक मित्तल कंपनी के मालिक लक्ष्मी मित्तल भी है। नहीं नहीं, लक्ष्मी मित्तल है वो राजगढ़ से, राजगढ़ आपके झुंझुनू से नहीं है, राजगढ़ तो शायद चूरू में। राजगढ़ तो एक सिंघानिया ग्रुप है। पिरामिल ग्रुप है, मेडिसिन का नाम सुना है ना, मेडिकल कंपनी का पिरामिल, जो अभी अंबानी परिवार के समधी भी हैं। पिरामिल फार्मा, वीआईपी, बहुत झुंझुनू तो बहुत बड़ा बड़ा पड़ा बड़ा जो है वो ग्रुप है। पहला सर नर्सिंग कॉलेज भी वहीं खुला था इंडिया का। आप ये बताइए कि इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने विमेन एम्पावरमेंट को लेकर कौन कौन सी योजनाएं चला रखी है? सर विमेन जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, एक तो उसमें क्या होता है सुकन्या समृद्धि? सुकन्या समृद्धि योजना में जैसे 10 साल से कम की जो लड़की है उसका खाता खुलवाया जाता है और उसके मिनिमम अमाउंट कितना रहता है? मिनिमम अमाउंट है उसमें 250 और मैक्सिमम है 1.5 लाख। ठीक है। और उसमें रेट और बताओ। और योजनाएं कौन सी है जैसे महिला सम्मान बचत पत्र? हाँ उसमें क्या होता है? उसमें सर 2 लाख का वो अमाउंट दी जाती है मैक्सिमम और 2 साल के लिए चलाई है ये अभी मार्च 2025 तक, 23 में चलाई थी और मार्च 2025 तक चलाई है। कोरल्स का नाम सुना है आपने? कोरल्स क्या होते हैं? कोरल रीफ सुने? कोरल रीफ क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है? अच्छा नहीं पता। आप ये बताओ कि जो है आपने कभी चेक देखा है आपका बैंक का, जो चेक आप बुक आपको दी जाती है उसका चेक आपने कभी देखा है? वैसे तो नहीं देखा सर। अच्छा नहीं, चेकबुक इश्यू हुई होगी क्या आपको? आपको चेकबुक इश्यू तो की होगी ना, आपने खाता खोला हुआ है ना? हाँ, अकाउंट है ना आपका? हाँ, कितने है? डिजिट में है आपका अकाउंट? 10 डिजिट, 12 डिजिट, 16, 20, कितना डिजिट में है ये नहीं पता सर। बहुत 7th क्लास में खोला था, उसके बाद ये बेसिक चीज है। चलो कोई नहीं, आप ये बताइए कि एक स्विफ्ट कोड होता है बैंकों के अंदर, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी? ये सर जैसे फॉरेन ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उनके मैसेजेस वगैरह आदान प्रदान करते हैं, उनके फाइनेंशियल मैसेज ट्रांसफर का मीडियम है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट, या ये की है? डीमैट तो सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया। फिर ट्रेडिंग और स्टॉक्स, स्टॉक वहां भी स्टॉक होता है ना, स्टॉक और शेयर्स को जो अपन है ना, शेयर्स को जैसे आपको आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कलेक्ट करके रखने, तो उसमें कौन सा अकाउंट काम आएगा? डीमैट। डीमैट
आप ट्रेड करना चाहते हैं, सेल एंड बाई, माल बेचना है, खरीदना है, तो कौन सा अकाउंट काम आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। आप ये बताइए आफ्टर बीएससी व्हाई बैंकिंग, लास्ट क्वेश्चन। बीएससी 2023 में आपने कंप्लीट किया, उसके बाद में बैंक ही क्यों चुनना चाहते हैं? सर एक तो बैंक मतलब सिलेक्शन प्रोसेस, मुझे जल्दी जॉब लगना था जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, तो एक साल में अगर मान लो कि एक साल में नहीं भी हुआ तो अगली साल फिर अपन को मौका मिल जाता है देने के लिए। एक तो मेन रीजन तो सिलेक्शन प्रोसेस स्मूथ है। अच्छा। और फास्ट और फेयर ग्रोथ भी है इसमें सर, मतलब पॉलिटिसाइज नहीं है ये। हाँ और शायद मतलब सर एक फीमेल के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सिक्योर जो है, सिक्योर इन द सेंस ऑफ, सिक्योर इन द सेंस सेफ फील होता है, सोशल सिक्योरिटी। चलो ठीक, चलिए कोई नहीं। हाँ अब आप बताइए, व्हाट इज योर असेसमेंट सर? कल से काफी ठीक है। काफी ठीक है, मुझे कल भी हुआ था क्या? हाँ नहीं कल हुआ था, लास्ट में आई थी, है ना, कल से काफी ठीक है। ठीक है ना, योर ड्रेस ऑल्सो इज क्वाइट वेल, ओके नो प्रॉब्लम, आना जाना सब, बैठना तरीका भी ठीक है, जवाब देने का भी तरीका ठीक है, है ना। थोड़ा जो स्कीम्स है ना, जो करंट है ना, जो अपने सोशल करंट न्यूज है ना, वो थोड़ा सा करंट न्यूज पे टच में रहो, और जो अपनी सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स है वो मैंने चला रखी है ना, उनके बारे में आपको दो चार सवाल पूछे ही जाएंगे आपके अपने विषय के बारे में, दो चार सौ आपने अपने विषय के बारे में काफी ठीक उत्तर दिए हैं। हाँ सही है, है ना, मतलब आई एम हैप्पी रियली कि भाई इस बच्चे ने कम से कम अपने एकेडमिक्स अच्छे, एकेडमिक जो है ना अदरवाइज बहुत पुअर स्थिति रहती है। मैंने कल लड़के से पूछा, आप देखें यू विल वंडर, यही बीटेक उसने किया हुआ है ना, और कहाँ से किया वही बता दूंगा आपको, आई सिंपली आस्क मी व्हाट इज एचपी, है ना, इसका किससे डिनोट होता है, वो जवाब नहीं दे पाया, मेरे पास नोट्स ने देखा हुआ उसके, है ना, मतलब कल मुझे आश्चर्य हुआ कि वो अगर हॉर्स पावर नहीं बता पा रहा है एक बीटेक बच्चा, अरे बाप रे बाप, है ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अरे मैंने कहा यार क्या सीखा तुमने, क्या देखा, क्या किया? फिर उन्होंने बताया था मैंने सिक्योरिटी पॉलिसी किया था, ऐसे पढ़ाई लिखाई वाला काम, क्या करोगे आप अगर हॉर्स पावर मैकेनिकल, बीटेक मैकेनिकल नहीं, तेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है बेटा, कोई नहीं, थोड़ा सा है ना एक डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में लगाता है ना, डॉक्यूमेंट्स तेरे प्रॉपर वे में नहीं है, देखो सीक्वेंस सही रहनी चाहिए। अब देखो ये तूने क्या किया, अभी मैंने कल भी बताया फॉर्म लगा दिया, ठीक है, फिर तूने 10th की मार्कशीट लगा दी, फिर इसके बाद में ओबीसी सर्टिफिकेट ले आई सीधा। नहीं सर 10th की तो उसमें पहले बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, तो उसके लिए नहीं, नहीं वो बात सही है, लेकिन आपका एकेडमिक्स जो रिकॉर्ड है ना, या तो इसको पहले ले आ ओबीसी सर्टिफिकेट को, है ना, फिर आप 10th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर इस तरीके से, फिर लास्ट में डिग्री, इस तरीके से लास्ट में डिग्री, उसके बाद फिर आपके पर्सनल, मतलब क्या होता है जैसे मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट जब आपका देखेगा ना, तो उसको एक सीक्वेंस नजर आनी चाहिए, मैं ढूंढ रहा हूँ ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ है, बीच में मिलता है, ऐसे वो चीजें सही बीच में लगा रखा है ना, आपने अपलोड की हो ना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, या तो उसी सीक्वेंस में लगा दो भाई, आपने जिस सीक्वेंस में अपलोड किया है ना, जिस सीक्वेंस में आईबीपीएस ने मांगे भाई, अपन जैसे 8वीं 10वीं फिर प्लस 2 फिर ग्रेजुएशन ऐसी तो चलते हैं ना, है ना, आप उसी सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन का तो ऊपर आ गया, 10th का बीच में, यानी 12th का पहले आ गया, और फिर ऐसे ऐसे यूं नहीं सीक्वेंस। एक सर है ना मेरे डॉक्यूमेंट्स में अभी जैसे तहसील है वो उदयपुर वाटी लगी हुई है, तो अभी उदयपुर वाटी है वो नीम का थाना में चला गया। नहीं वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट का रहता है, वो उससे आप वो सब जानते हैं और बैठे हैं, है ना, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि कोई चीज चेंज भी होगी तो वो गवर्नमेंट के प्रोसीजर में चेंज होगी, उसमें तो आप कुछ ही नहीं कर सकते, है ना, बाकी तेरा ठीक है, और पढ़ना स्कीम्स देख लेना और देखना करंट न्यूज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।